अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से हैं सब। कराची के नेशनल स्टेडियम में मौजूद हूँ। नेशनल स्टेडियम के बाहर ये ओवल ग्राउंड कहलाता है, जिसकी आप फुटेज भी देख रहे हैं। यहाँ लाहौर कैलेंडर्स की टीम प्रैक्टिस कर रही है, इस वक्त फुटबॉल खेल रहे हैं लड़के, और उसके बाद बैटिंग बॉलिंग की प्रैक्टिस करेंगे। तकरीबन आधा घंटा हो चुका है इनको यहाँ आए हुए, कराची के इस हनीफ मोहम्मद ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, उसका एक ग्राउंड है और दूसरा ग्राउंड, इसको ओवल ग्राउंड कहते हैं। और ये नेशनल स्टेडियम कराची, आपको पता है नेशनल बैंक स्टेडियम कराची, यहाँ मुकाबला होगा कल लाहौर कैलेंडर्स का, तो उसके लिए तैयारी कर रही है टीम। दो एक्टिविटीज़ हुई, एक एक्टिविटी तो अभी जारी है जो प्रैक्टिस की है, और दूसरी एक्टिविटी इन्होंने अब से कुछ देर पहले की थी कि शाहीन अफरीदी ने एक केक काटा था। और शाहीन अफरीदी ने केक क्यों काटा, शाहीन अफरीदी कप्तान है लाहौर कैलेंडर्स के, उनकी 100 विकेट्स PSL में मुकम्मल हो गई हैं, तो ये बड़ी अचीवमेंट गर्दानते हैं लाहौर कैलेंडर्स वाले, तो उन्होंने इसको सेलिब्रेट किया और मीडिया के सामने केक काटा शाहीन ने। और उनके साथ मौजूद थे आकिब जावेद, उनके साथ मौजूद थे समीन राणा, उनके साथ मौजूद थी पूरी टीम। तो ये हुआ, उसके बाद फिर आकिब जावेद साहब आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, और आकिब जावेद से बड़े सवालात हुए, और ख़ास तौर से उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से सवाल हुए कि कभी आप ऊपर होते हैं, कभी आप नीचे होते हैं, आप दरमियान का कोई रास्ता नहीं लेते। तो उन्होंने कहा मीडियोकर ज़िंदगी हम नहीं बसर करना चाहते, हम ऐसे ही ठीक हैं, या तो ऊपर होंगे या नीचे होंगे। बहरहाल उन्होंने उसकी वजह बताई कि उनकी जो टीम की कोर है, जो इससे पहले बनी हुई थी, जैसे जिसमें राशिद खान थे, वीज़ा थे, तो वो कोर टूट गई है, वो कोर अब नहीं है। राशिद खान इंजरी के बायस टीम का हिस्सा नहीं है, उनके ना होने से आकिब जावेद साहब का कहना है कि बहुत फ़र्क पड़ा। हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस के हवाले से उन्होंने कहा कि वो परफॉर्म करने की कोशिश तो कर रहे हैं, और लेकिन इंजर्ड हो गए वो, तो इसलिए ये कहा कि ये बदकिस्मती है, यकीनन बदकिस्मती है। T20 वर्ल्ड कप में शाहीन अफरीदी को कप्तान होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कप्तान तो अनाउंस हो चुका है T20 का, और शाहीन अफरीदी ही होंगे। फ़खर जमान के हवाले से उनसे सवाल हुआ कि फ़खर जमान की परफॉर्मेंस इतनी ख़राब जा रही है, तो आकिब जावेद ने बड़ी अच्छी बात की जो कि मुझे अच्छी लगी। उन्होंने ये कहा कि देखिए, जब कोई प्लेयर गिरा हुआ होता है उसका साथ उस वक्त देना चाहिए, क्योंकि 8 साल से वो बैकबोन लाहौर कैलेंडर्स की है और वो परफॉर्म करते आ रहे हैं, तो उनको इस मौके पर जब ज़रूरत है सपोर्ट की, लाहौर कैलेंडर्स उनको सपोर्ट करेगी। आकिब जावेद से और भी बातें हुई, पाकिस्तान क्रिकेट के मामलों पर बात हुई, तो उन्होंने ये कहा कि चेयरमैन कोई भी आए उसको 3 साल का वक्त देना चाहिए। हमारे यहाँ कौन से, उन्होंने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया था पता नहीं, हमारे यहाँ कौन से आइंस्टाइन, पता नहीं उसने क्या कहा था कि मतलब बड़े दिमाग हमारे यहाँ कौन से मौजूद हैं, ये कहने का मकसद था उनका। लेकिन जो भी आए उन्होंने ये कहा कि उसको वक्त पूरा दें, उसको काम करने दें, फिर उसके काम को जज करें। और उन्होंने ये भी कहा कि T20 क्रिकेट चेंज हो रही है दुनिया भर में, और हमने कोशिश की थी कि टीम अपनी बनाएं, और हमारा मतमय नज़र ये होता है कि हम टीम बनाने के साथ साथ प्लेयर डेवलपमेंट का भी काम करें, तो हर साल हमने प्लेयर दिया है, हमारी ही प्रोडक्ट है शाहीन अफरीदी। उन्होंने ये भी कहा लेकिन शाहीन अफरीदी उससे पहले U19 U16 में खेले हैं, तो वो पाकिस्तान की प्रोडक्ट है मैं समझता हूँ। लेकिन सही कहा उन्होंने कि PSL से जो उनको प्लेटफॉर्म दिया वो लाहौर कैलेंडर्स ने दिया, और उसके बाद वो PSL की लाहौर कैलेंडर्स जो चैम्पियन टीम है, 2 मरतबा की चैम्पियन टीम है, और इस वक्त की डिफेंडिंग चैम्पियन भी है, उसकी कप्तानी वो कर रहे हैं। तो बहुत सारी बातें आकिब जावेद से हुई, तो ये भी है, और ये सूरत हाल है। कल मुकाबला होगा नेशनल बैंक स्टेडियम में, लाहौर कैलेंडर्स उसकी तैयारी कर रही है। आपने प्रोग्राम देखा, पसंद किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़।